वीना, मीना और टीना तीन बहनें हैं। तीनों शहर की रहने वाली हैं और तीनों के कमरे में अटैच बाथरूम है, इसीलिए बाथरूम को लेकर तीनों बहनों में कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन उन तीनों को क्या पता था कि उन्हें इस आराम की जिंदगी को छोड़कर एक दिन गांव जाना पड़ेगा। एक दिन तीन बहनों को देखने के लिए गांव से तीन लड़के आए, रमेश, सुरेश और महेश। उनके पिता हरिहर और रीना के पिता मनोहर बचपन के दोस्त थे। अरे हरिहर, तो फिर आज हमारा सपना पूरा होने ही वाला है। हाँ यार मनोहर, हमने वादा किया था कि मेरे बेटों से तेरी बेटियों की शादी करवाएंगे। आ जा गले लग जा दोस्त, आज से हम दोनों केवल दोस्त नहीं समझी है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हरिहर के तीन लड़के भी बहुत खुश हैं, लेकिन रीना, मीना और टीना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पता नहीं क्यों पिताजी हमारी शादी गांव में करवा रहे हैं। पिताजी भी ना हमारी बात कभी नहीं सुनते। अब क्या करें, पिताजी ने कहा है तो शादी करनी ही पड़ेगी। और एक महीने के अंदर तीनों की शादी हो जाती है। रीना, मीना और टीना अपने ससुराल चली आती हैं और आते ही मीना को बहुत जोर की पोटी लग जाती है। रीना, मुझे बहुत जोर की आई है। तो मैं क्या करूं? इनसे पूछ कि बाथरूम किधर है। मीना ने अपने पति सुरेश से पूछा। सुनिए जी, मुझे पोटी आई है, बाथरूम किधर है? बाथरूम? वो क्या चीज है? मतलब हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है, तुम सबको खेत में जाना होगा। ये सुनकर तीनों के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ता है। क्या, खेत में, खुले में शौच? हाँ तो क्या हुआ, हम बचपन से करे आ रहे हैं। सुरेश, अपनी बीवी को लेकर खेत में जा। सुरेश मीना को लेकर खेत में जाता है। मीना को बहुत डर लगता है। सर आप मेरे पास खड़े रहिए ना, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, तुम शौच करोगी और मैं क्या खुशबू लूंगा। तुम तुम्हारा काम करो, मैं चलता हूँ। सुरेश वहाँ से चला गया। मीना शौच करने लगी, वो पहले से ही सहमी हुई थी। इतने में कहीं से किसी ने धीमी आवाज में कहा, ए सुनो, तुम सुरेश की नई बीवी हो क्या? अरे कौन है? मैं हूँ, तुम्हारे पास में ही बैठा हूँ। झाड़ियों की वजह से मैं तुम्हें दिख नहीं रहा हूँ, मैं भी शौच कर रहा हूँ। अरे बाप रे, भागो भागो। मीना डर के मारे भाग गई। ससुराल जाकर उसने ये कहा तो सब लोग हंसने लगे। उसकी सास बिमला ने कहा, ऐसा होता है बहू, अक्सर होता है, कुछ दिन यहाँ रहो, इसकी आदत पड़ जाएगी। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत गुस्सा हो गईं। उन्होंने अपने पिता को कॉल लगाया और सब कुछ बताया। ये किस घर में हमारी शादी करवाई है पिताजी? यहाँ शौचालय नहीं है, खेत में गांव वालों के साथ शौच करना पड़ रहा है। अरे चिंता मत करो बेटी, पहले पहले ऐसे होता है, आदत डालनी पड़ती है। कोई नहीं, कुछ दिन रहो, फिर देखना इसकी आदत पड़ जाएगी। मनोहर ने भी फोन रख दिया। तीनों बहनें बहुत दुविधा में पड़ गईं। रात हो या दिन, तीनों शौच करने खेत में जाने लगीं। गांव के लोग नई बहुओं को खेत में जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगे। ऐसे तीनों बहुत परेशान हो गईं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चल सकता, हमें कुछ करना होगा। क्या करेंगे, ये लोग तो घर में बाथरूम नहीं बनाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम हगीज पहन कर रहें, उससे हमें खेत में नहीं जाना पड़ेगा। हम हगीज में ही कर देंगे और उसके बाद उसे फेंक देंगे। ये आइडिया सबको पसंद आ गया। तीनों ने बहुत सारे हगीज खरीद लिए और हमेशा हगीज पहनकर घूमने लगी। खाना बनाते हुए रीना को प्रेशर आया। अरे बाप रे, बहुत जोर की आ रही है। अरे मैं तो हगीज पहने हुई हूँ, यहीं पर कर देती हूँ। रीना ने हगीज में ही पॉटी कर दी। ऐसे ही तीनों बहनें हगीज में शौच करने लगी और पूरा घर दुर्गंध से भर गया। अरे ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं, कुछ दिनों से हर रोज ऐसा गंदा स्मेल आ रहा है, जैसे कोई बहुत दिनों के बाद शौच कर रहा हो। उधर तीनों बहनें हगीज में करने लगी और एक बड़ी सी पॉलिथीन में हगीज को रखने लगी। ये पॉलिथीन भर जाए, फिर इसे फेंक देंगे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन रमेश ने रीना से पूछा, रीना तुम तीनों आजकल शौच करने नहीं जाती हो क्या? हाँ हम तीनों जाते हैं ना, सुबह सुबह जाते हैं, आप लोग तब सो रहे होते हैं। अच्छा तो ये बात है, अच्छा है कि तुम तीनों को खेत में जाने की आदत पड़ गई। और ऐसे ही एक महीना बीत गया, वो पॉलिथीन भी भर गया और उसमें से बहुत गंदी स्मेल निकलने लगी और उसी स्मेल से एक कुत्ता घर में घुस गया।
उस कुत्ते ने पॉलिथीन को मुंह से फाड़ दिया और सारे हगीज को लेकर पूरे घर में फैलाने लगा। बिमला अपने कमरे से बाहर निकली और एक हगीज पर पैर रखते ही फिसल गई। उसके चेहरे पर पीली पॉटी लग गई। अरे ये क्या है, किसी ने मेरे मुंह पे हक दिया। रोने धोने की आवाज सुनकर सभी वहाँ आई और ये देखकर चौंक गए। अरे इतने सारे हगीज, इस घर में कौन पहनता है हगीज? हम तीनों पहनते हैं ना बाबूजी। तुम तीनों? लेकिन क्यों? क्योंकि आपने हमारे लिए शौचालय नहीं बनाया। शौचालय बहुत जरूरी है, जब तक शौचालय नहीं मिलता तब तक हम हगीज में ही हगेंगे। ये सुनकर हरिहर ने तीनों से माफी मांग ली और उसके बाद तीनों के लिए अलग अलग बाथरूम बनवाया गया और उसके बाद तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। डोली में बैठी काम्या अपने ससुराल की ओर जा रही थी। उसका पति रजनीश भी साथ साथ चल रहा था। उसके साथ कई बाराती भी थे। डोली चलते वक्त जब हवा से डोली का पर्दा हट जाता तो रजनीश तिरछी आंखों से अपनी पत्नी को देखता और जब दोनों की नजरें मिलती तो काम्या शर्मा कर अपनी आंखें झुका लेती। उधर बारात में साथ चल रहे सभी लोग काम्या की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अरे बहुत ही सुंदर पत्नी मिली है अपने रजनीश को। हाँ चाची, लाखों में एक है वो। जैसे जैसे कर काम्या की डोली उसके ससुराल के नजदीक पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जंगल को पार कर जब उसकी डोली एक पथरीले पुल से गुजर रही थी तभी काम्या के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। आह हे भगवान, मेरे पेट में दर्द कैसे होने लगा? पहले तो उसने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो जोर से कराहने लगी। आह आह। इस तरह उसके कराहने की आवाज जैसे ही रजनीश ने सुनी तो वो घबरा गया और दौड़कर काम्या के पास गया और उससे बोला, क्या हुआ काम्या? पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। रजनीश ने डोली वाले को डोली रोकने के लिए कहा। अरे डोली वाले भैया, जरा डोली रोकना, मेरी पत्नी के पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। डोली वालों ने डोली रोकी। काम्या का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बारात में साथ चल रहे लोग और रजनीश, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से काम्या को क्या हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। अब वहाँ कोई आसपास डॉक्टर होता तो काम्या को उसके पास ले जाया जाता लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में कहाँ से कोई डॉक्टर मिलता। तभी बारात के साथ चल रही एक औरत ने कहा कि लगता है इसने शादी में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है। अरे किसी के पास हाजमे की गोली है क्या? हाँ चाची, मेरे पास है, अभी देता हूँ। काम्या को हाजमे की गोली दी गई लेकिन उसके पेट का दर्द कम नहीं हुआ, उल्टा उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। हे भगवान, क्या हो गया है इसे, इतना दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ खड़ी औरतों को पता लग गया कि ये कोई मामूली दर्द नहीं है, ये तो। लेकिन कोई कुछ कहता उसके पहले ही काम्या ने डोली में एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे दिया। तुरंत ही बच्ची के रोने की आवाज वहाँ गूंजने लगी। लेकिन डोली में इस तरह बच्ची के जन्म के बाद वहाँ जितने लोग थे उन्होंने उतनी बातें शुरू कर दी। हे भगवान, क्या घोर कलयुग आ गया है, लड़की अभी शादी के बाद घर भी नहीं पहुँची कि उसने बच्ची को जन्म दे दिया। राम राम राम, क्या कहें इसे, दिखने में तो ये इतनी सुंदर है लेकिन इसके कर्म तो काले हैं काले, ना जाने शादी के पहले इसने किसके साथ अपना मुंह काला किया है। इसे तो अभी के अभी इसके घर वापस भेज देना चाहिए, ये उल्टा तो रजनीश का जीवन ही बर्बाद कर देती। कुछ देर पहले जहाँ सभी लोग काम्या की तारीफ करते नहीं थक रहे थे वहीं कुछ देर बाद सभी उसकी बुराई करने लगे। कुछ देर पहले तक रजनीश के चेहरे पर जो खुशी थी वो एकाएक गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। ये सब क्या है, ये कैसे हो गया? काम्या ने बच्चे को जन्म दे दिया। कुछ घंटे पहले रजनीश बहुत खुश था, आज उसकी शादी जो थी। काम्या को जब उसने पहली बार देखा था तभी उसने तय कर लिया था कि काम्या ही उसकी पत्नी बनेगी। गोरा रंग, लंबा कद, गालों पर काला तिल और फूलों की पंखुड़ी से उसके होंठ उसे बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग बना रहे थे। आप बहुत खूबसूरत हैं काम्या जी, मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। शुक्रिया आपका। मैं आपको पसंद तो हूँ ना? रजनीश की बातों का काम्या ने अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया। रजनीश मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपनी माँ और पापा से बोला, मुझे लड़की पसंद है। रजनीश और काम्या ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पंडित जी से पूछकर उनकी कुंडली मिलवाई गई और उनकी शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाया गया। अरे लड़की तो बहुत ही सौभाग्यशाली है रजनीश के लिए।
पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन शादी के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही लगन शुरू होगा। कुछ महीने का इंतजार रजनीश के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो जल्द से जल्द काम्या से शादी करके उसे अपने घर ले आना चाहता था। लेकिन उसके चाहने से क्या होता, पंडित ने जो मुहूर्त बताया था उसके लिए उसे हर हाल में इंतजार करना ही था। हालांकि इस बीच वो फोन पर काम्या से बात करने लगा, और जितनी ही ज्यादा वो काम्या से बात करता उसे उससे उतना ही ज्यादा प्यार हो जाता। सच कह रहा हूँ काम्या, मेरे लिए अब इंतजार करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कैलेंडर पर एक एक दिन काट रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ मैं कब दूल्हा बनूंगा और बारात लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगा। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। बहरहाल दूल्हे की ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, और काम्या तो हमेशा की तरह ही किसी परी की तरह लग रही थी। जब उसने उसके गले में वरमाला डाली तो रजनीश बार बार यही सोच रहा था कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे जो काम्या जैसी लड़की मेरी पत्नी होने वाली है। बहरहाल शादी की रस्में हुई, दोनों ने सात फेरे लिए, और सात फेरों के साथ पंडित जी ने दोनों को सात वचन भी दिलाए। अब आप दोनों मेरे पीछे ये दोहराएं, मैं दुख में सुख में अमीरी में गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं दुख में सुख में अमीरी में गरीबी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सारी बातें रजनीश के दिमाग में घूम रही थी। उधर उस छोटी बच्ची के रोने की आवाज भी उसके कानों में लगातार आ रही थी, और साथ ही उसके कानों में आ रही थी अपने रिश्तेदारों की कानों भरी बातें। अरे ये तो समय रहते इस कुलक्षिणी का राज खुल गया, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाता है। रजनीश तू खड़े खड़े क्या सोच रहा है, इसे छोड़ यहीं पर और निकल यहाँ से। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो सारी जिंदगी इस पागल के साथ रहना पड़ता। रिश्तेदारों की जहर भरी बातें रजनीश खड़े खड़े सुन रहा था, और साथ ही वो काम्या का चेहरा भी देख रहा था। काम्या की आंखों में आंसू थे। अचानक रजनीश ने काम्या की छोटी बेटी को उठाया और सबसे कहा, ये मेरी बेटी है, आप लोग मेरी पत्नी को कुछ भी मत कहिए, उसने कुछ नहीं किया, वो बेचारी तो निर्दोष है, ये सारी गलती मेरी है, मेरी। असल में शादी के बीच कुछ महीने का जो अंतराल था, उस अंतराल में रजनीश और काम्या ढेर सारी बातें किया करते थे। एक रात जब रजनीश उससे बातें कर रहा था तो वो एक जिद पकड़ कर बैठ गया। काम्या मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम मेरी ये बात नहीं मान सकती। आप समझ नहीं रहे आप क्या कह रहे हैं, किसी को पता लगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं करने बोल रहा हूँ तुम्हें, बस तुम्हें अकेले में मिलने के लिए कह रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन 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 छोड़ो, बस हम कल मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। रजनीश की जिद के आगे काम्या को झुकना पड़ा। वे सभी की नजर मिलाकर एक होटल में मिले, लेकिन होटल में मिलने के बाद दोनों खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और प्यार के सागर में खो गए। लेकिन जब काम्या को समझ आया कि उसने क्या गलती की है तो वो बहुत डर गई। मुझे बहुत डर लग रहा है रजनीश, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अरे कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, कोई गैर नहीं, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बता दूंगा कि ये सब मेरे कारण हुआ है। काम्या को जो डर था वो हो गया था, काम्या गर्भवती थी। उसने रजनीश को ये बात बताई तो उसने कहा कि काम्या थोड़े दिन तक ये बात संभाल लो, फिर जब हमारी शादी होगी तो कुछ महीनों के लिए हम बाहर चले जाएंगे, और जब वहाँ से वापसी के वक्त एक बच्चा लेकर आएंगे तो किसी को शक नहीं होगा। काम्या ने सब कुछ संभाल तो लिया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जमाने से जो राज उन्होंने छिपाया था वो इस तरह बाहर आएगा किसी को नहीं पता था। रजनीश और काम्या की पूरी बातों को सुनकर सभी रिश्तेदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने काम्या से माफी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कुछ बातें शादी के बाद ही हो तो अच्छा है, क्योंकि यही हमारे समाज का नियम है, कोई इसको मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन इसे मानने वाला कभी पछताता नहीं है। रजनीश की जिद पर काम्या ने गलती की थी, इस बात का रजनीश को एहसास था। उसने काम्या से भी माफी मांगी। उसके बाद एक बार फिर से बारात दुल्हन को लेकर उसके घर चल पड़ी, लेकिन ये पहली बारात थी जिसमें दुल्हन के साथ उसकी बेटी भी डोली में जा रही थी। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।